हैप्पी होली गाइस। होली जितनी रंगीन है उतनी ही रंगीन एक फिल्म मैं आज सुबह सुबह देख के आ रहा हूँ, जिसका नाम है तू झूठी मैं मक्कार। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की ये एक नई फिल्म है जिसकी हाइप हम काफी दिनों से देख रहे थे इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर पे, और फाइनली वो मूवी आज रिलीज हो चुकी है। और हाइप तो होनी ही थी क्योंकि रणबीर और श्रद्धा की ये सबसे पहली मूवी थी एक साथ में। फिल्म में रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, डिंपल कापड़िया और एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है जिसका नाम है अनुभव बसी, जिसे हम सब जानते हैं, सब पसंद करते हैं। ये अनुभव बसी की सबसे पहली फिल्म होगी। फिल्म के डायरेक्टर है लव रंजन, जिसने हमें पहले भी काफी एंटरटेनिंग फिल्में दी है, जैसे कि मलंग, प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी। फिल्म में मेन रोल है रणबीर कपूर का, जो एक मक्कार प्रेमी है, और श्रद्धा कपूर जो एक झूठी प्रेमी है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर प्यार को बड़े ही लाइटली लेते हैं, एक मजाक की तरह लेते हैं। रणबीर तो मूवी में एक डायलॉग भी बोलता है कि लड़की से पीछा कैसे छुड़वाए, पर जब ये दोनों मिलते हैं तब ये दोनों को पता है कि दोनों झूठे और मक्कार है, और अब दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से। दोनों को पता है कि ये झूठा है, ये मक्कार है, गलत है सब कुछ, बट फिर भी ये जिद पे अड़े कि सबसे पहले कौन दूसरे को छोड़ेगा। और जिद इतनी लंबी चलने लगती है कि फैमिली कुंडलियाँ भी मिलाने लगती है, और इन जिद जिद में प्यार भी हो जाता है। आखिर आप खुद ही जाके देख लेना, पर अगर ना देखो तो फिर भी चलेगा। हाँ, माना कि फिल्म में काफ़ी ऐसे गाने हैं, कॉमेडी भी लगती है, बट स्टोरी के बारे में बात करना मुश्किल है। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही खराब लगी, एकदम टाइम पास और बिल्कुल लॉजिक नहीं लगा। ओवर ड्रामेटिक है और हंसाने की बहुत कोशिश की है। हॉल में पूरे 2 घंटे 40 मिनट में लोग हार्डली ही हंसे हैं। फिल्म कमाई तो काफ़ी अच्छी करेगी क्योंकि दो बड़े एक्टर हैं और होली पे फिल्म रिलीज होने वाली है, त्योहारों का समय है और सब फैमिली के साथ फिल्म देखने जाते हैं। और फिल्म है तो रंगीन और देखने में एंटरटेनिंग ही, आपको एक बार देखने का तो मज़ा ही आएगा, पर मुझे इतना मज़ा नहीं आया जितना मैंने सोचा था कि आएगा, कि ये दोनों की पहली फिल्म है तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था मैंने। अगर मुझे इस फिल्म को 5 आउट ऑफ स्टार्स देने पड़े तो मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दूंगा। और आप कमेंट में जाके बताएं अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी। अगर आपको इस फिल्म के अलावा बाकी फिल्म के बारे में सजेशन चाहिए तो जाके देखिए ये वाला वीडियो, जिसमें मैंने 3 फिल्म के बारे में बात की है जिसको आप आज देख सकते हैं। गुड बाय।